रजनी दीदी हंसते हुए बोली, रानी मेरी प्यारी देनी, जल्दी से घूंघट कर लो, अगर माँ जी आ गईं तो हंगामा हो जाएगा। मैंने घूंघट किया ही था तभी माँ जी वहाँ आ गई और कड़कड़ाती आवाज़ में बोली, चलो ये क्या सही गपशप मारती रहोगी, तुम दोनों हमारे चलना शुरू किया था। तभी माँ जी ने रजनी दीदी के कंधे पर हाथ रखा और बोला, पता नहीं कहाँ से जाना है और कैसे जाना है। माँ जी ने बोला, जब कोई भी खड़ा तुम्हारे सामने खड़ा हो तो हमेशा घूंघट में रहना और कम से कम अपने बड़ों के सामने आना और बिना घूंघट के तो कभी नहीं। रजनी दीदी कुछ बोली ही नहीं, बस अपना सर हिलाकर बोल दिया। मैंने भी बस अपना सर ही हिलाया था। माँ जी के जाने के बाद मैंने पूछा, रजनी दीदी आप तो स्कॉलर हो और इन चीज़ों में कैसे निभाती हो। रजनी दीदी मुस्कुराई और बोली कि तेरे जेठ जी मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए अभी तक चुपचाप से चीज़ें निभा रही हूँ। मैं कुछ नहीं बोली और चुपचाप रजनी दीदी के साथ घर के बाहर वाले कमरे में जाकर बैठ गई। वहाँ पर एक पड़ोस की आंटी जी बैठी हुई थी, बोलिए कैसे बहू आई है ससुर जी के सामने खड़े और ये यहाँ पे बैठी हुई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। रजनी दीदी बोली, आंटी जी अभी नई बहू है, यहाँ के रीति रिवाज सीखने में थोड़ा समय तो लगेगा ही। रजनी दीदी मुझे वहाँ से उठाकर मेरे कमरे में छोड़ गई। 6 महीने यूं ही छोटी छोटी चीज़ों में बीत गए। फिर एक दिन मैं राहुल के साथ साड़ी लेने गई, राहुल का फ़ोन आया और बोला वो दुकान में बाहर लगा है। साड़ी की दुकान पर बेधड़क भीड़ साड़ियाँ देख रही थी। तभी साथ में बैठे हुए अंकल जी खांसे एक बार बोले, फिर 3 बार मैंने साड़ी बोला, भैया मैंने इन अंकल जी को पानी दे दिया, इन्हें आप खांसी दे रही हो, क्यों दे रहे हो खांसी। अंकल जी भड़क उठे और बोले, क्या बदतमीज लड़की है, इसे कुछ शर्म लिहाज है या नहीं। दुकान पर हंगामा देख राहुल बाहर से भागकर अंदर आया और अंदर आते ही अंकल जी के पैर छूकर बोले, मामा जी आप यहाँ। मैं घबरा के दुकान से बाहर निकल आई, एक लंबा घूंघट घर के गाड़ी में बैठ गई। राहुल बाहर आया और मैं गाड़ी में बैठकर गाड़ी बहुत तेज चलाने लगा। मैंने धीमी आवाज़ से बोला, गाड़ी बहुत तेज चला रही हो, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। हम घर पहुंचे ही थे तभी माँ जी जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आई, देखो ये आ गई रानी साहिबा, खानदान में इज्जत मिट्टी मिलाकर। तभी दीदी आई और बोली, माँ जी मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं, मैं अभी तक मामा जी को नहीं जानती, ये कैसे जानेगी। माँ जी की जोर से चिल्लाई, देखो कहाँ से ये चप्पड़ चप्पड़ जवान चल रही है इस रजनी की। राहुल सब बात काटते हुए बोला, माँ ये दे दो सही बोल रही हैं, अगर ये हमेशा घूंघट करके रहेंगी तो मामा जी को कैसे पहचानेंगे। और मामा जी आज का फोन तुमने घर की शांति पर भंग कर दिया, ये जो समाज है, सीता मैया उंगली उठाई थी, पिताजी और जेठ जी भी, ये सब अपना पास राहुल के साथ ही रखा था। माँ जी और थोड़ी देर सोचने के बाद वापस रजनी दीदी और मेरे पास आई और बोली कि तुम दोनों अपनी मर्यादा पता है, मुझे उम्मीद है कि तुम कभी भी मेरा सिर शर्म से नीचे नहीं झुकने दोगे, हम एक ही परिवार के सदस्य हैं, हमें हमेशा साथ रहना है, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त का हर सदस्य को अपनी मर्यादा पता है। माँ जी ने मुझे और रजनी को दीदी को गले लगा लिया। तो दोस्तों आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों तक लाती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद।